सत चेतन तेरी बुक्कल में है चोर भाई, दिन धौड़ी लूट मचाई। एक शब्द भी है ना, तेरी बुक्कल में है चोर भाई, दिन धौड़ी लूट मचाई। अब ये बुक्कल कोई और तो है नहीं, ये बुक्कल आपके शरीर की है, ये आत्मा की बुक्कल है, ये आत्मा का पर्दा है, ये शरीर ये आत्मा का घर है, और जो चोर है वो इसी में है, तेरी बुक्कल में है चोर भाई, तन थोड़े लूट मचाई। ये और कोई नहीं है जो इसे शरीर के अंदर चोर है, तेरी बुक्कल में जो चोर है वो और कोई नहीं है, ये आपका मन है। ये मन जो है दिन दौड़ी लूट मचाता है, ऐसी लूट मचाता है कि आपको रोका नहीं जाता है। ऐसा चोर है जो अंधेरे में चोरी नहीं करता है, ऐसा चोर है तुम सो गए तब चोरी नहीं करता है, ये ऐसा चोर है जब तुम जागे हुए होते हो, जब नींद में नहीं होते हो, जब अंधेरा नहीं होता है, ये मन तब डाका डालता है, ना तभी सोए हुए को कुछ नहीं कहता है, अंधेरे में कुछ नहीं कहता है। जैसे दूसरे चोर आदमी चोर होते हैं वो अंधेरे में करते हैं, तुम सो जाते हो तब करते हैं, लेकिन मन का चोर जब करता है जब अंधेरा ना हो, जब तुम जागे हुए हो, दिन धौड़ी डाका डालता है। ऐसा डाका डालते डालते आपके जीवन चले जाते हैं, आप परोपकार परमार्थ प्रेम प्यार ध्यान अच्छे कर्म कमा नहीं पाते। ये मन का चोर है, ये डाका डालता ही रहता है। देखो दुनिया के साथ आपको कैसे कैसे जोड़ देता है, ना आप अपने आप को भूल करके सारी उम्र इस संसार के साथ इतने एक हो जाते हैं कि आपको होश नहीं रहता, अपना भी होश नहीं रहता। मेरा कहने का मतलब यही है कि तुम नींद में हो जब अपना भी होश नहीं है। ये कैसी निंद्रा तुझको आई, जागत भी होश नहीं है भाई। ये कैसी निंद्रा तुझको आई, जागत भी होश नहीं है भाई, और जीवन तेरा लूट लिया है, तुझे चोर नजर नहीं आई। ये मन का चोर किसी को नजर आता है क्या? सब कहते हैं कि मन बहुत तंग करता है, इस तरह से कहते हैं जैसे इनको दिखाई देता हो, दिखाई नहीं देता, जरा भी दिखाई नहीं देता, फिर भी कहते हैं मन तंग करता है। है तो कुछ जो आपको दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है तो आप पकड़ लेते, छूट जाते, तुम भी चोरी ना करने देते। क्या चोर दिखाई दे और आप चोरी करने देंगे? ये चोर ही ऐसा है, आपको दिखाई नहीं देता, ये दिन धौड़ी चांदने और प्रकाश में भी दिखाई नहीं देता, तुम जागे हुए तो भी दिखाई नहीं देता, ये तो दिन धौड़ी डाका डालता है, तेरे सारे जीवन को लूट बैठता है। कितने लिप्त हैं लोग घरों में, इतने लिप्त हैं कि सारा उम्र वो करते रहते हैं जो केवल उनके परिवार के हक में हो, जो केवल उनके हक में हो, ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते हैं जो आत्मा के हक में हो, ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते हैं जो सबके हक में हो। सब अपने स्वार्थ में लिप्त हैं, अपने अहंकार में लिप्त हैं, अपने धन दौलत में लिप्त हैं, इस संसार में लिप्त हैं, परिवार में लिप्त हैं, कभी थोड़ा सा भी नहीं सोचते कि हमें कुछ और भी कर लेना चाहिए। इतना लगाव क्यों हो गया है? ये अज्ञान है, ये अज्ञान हम समझाने से भी नहीं टूटता है, थोड़ी सी देर के लिए ये सह के बिखर जाता है। अज्ञान का पहाड़ टूटने में नहीं आता,
अज्ञान का एक ऐसा पाल है जो टूटने में नहीं आता। आप सत्संग आ जाते हो, थोड़ी सी देर के लिए बिखर जाता है बस, प्रवचन सुन के, विचार सुन के थोड़ी सी समझ हो जाती है, ठीक शांति आ जाती है। थोड़ी सी देर के लिए अज्ञान जो है या अंधेरा जो है रास्ता पकड़ जाता है। जैसे किसी तालाब में काई हो, पूरे तालाब पर काई छाई हुई हो और उसमें आप कंकर फेंक देते हो, तो जहां वो कंकर पड़ेगी वहां थोड़ा सा पानी नजर आ जाएगा, वहां से काई फट जाएगी, काई इधर उधर हो जाएगी थोड़ी सी देर, लेकिन थोड़ी सी देर बाद फिर मेल में आ जाएगी, फिर वहां काई ही काई है। एक बार तो कंकर फेंकने से काई फट गई थी, थोड़ा सा पानी दिख गया था, थोड़ी सी देर के बाद जब लहर खत्म हो जाती है तो वो काई फिर मिलाप में आ जाती है, फिर काई ही काई है। तो ये अज्ञान है, ये अंधेरा है, ये ऐसा ही है। हम भी बहुत कोशिश करते आए हैं, आप भी बहुत कोशिश करते आए हैं, तालाब में कक्कर कंकर फेंकते आए हैं, काई को हटाते आए हैं, फिर काई की काई होता है ना। ऐसा ही आप भी सत्संग सुनते हैं और भी चारों तरफ मन दिखा है घूम घाम करके, थोड़ी सी देर के लिए शांति आ जाती है तो घर में जाते ही वही व्यवहार, वही गालियां, वही वही झूठ, वही कपट, वही छल, सारे सारे उल्टे, वही मेर, वही तेर, घर में जाते ही फिर वही शुरू हो जाता है, काई फिर मेल में आ गई। हम चाहते हैं कि काई मेल में ना आ सके, सारा ही तालाब साफ हो जाए, किसी तरह से काई ना बचे, लेकिन यह अज्ञान ऐसा ही है, ये हटाए से नहीं हटता, कितनी कोशिश करें बड़े बड़ों को घेर लेता है। कई लोग होते हैं बड़े प्यारे सत्संगी होते हैं, लेकिन समय पर वो भी मात खा जाते हैं, देखते हैं ये सत्संगी नहीं है। 10-20 साल बड़े प्रेम के गुजारे, बड़े सत्संग में सेवा करी, बड़े ध्यान भजन किए, अंत में क्या कह बैठते हैं, कभी कभी थोड़ी सी घर में तकलीफ आ गई, थोड़ा सा नुकसान हो गया, कोई कठिनाई आ गई जो टाइम ले रही है, जा नहीं रही है, तो आदमी हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। जिस आदमी से हमारी आशा थी कि आदमी ठीक है, सत्संगी है, इसकी काई हट गई है, तो हाथ जोड़ के वो कह ही देता है, देखो महाराज जी, आज तक हमने कुछ नहीं मांगा, मेरा बच्चा बीमार है वो ठीक हो जाए, या मेरा बच्चा नौकरी के लिए गया है वो ठीक हो जाए, उसका फिजिकल पार्ट दे, वो रेस करता थोड़ा ताकत लगा देना। अब लड़का तो ग्राउंड में जो है रेस कर रहा है, मैं आश्रम में बैठा बैठा कैसे भगाऊं उसको। तो इतने लिप्त हैं कि पता ही नहीं चलता, 10-10 साल 20-20 साल के लिए भी ऐसे लगते हैं कि जैसे सत्संगी हैं, फिर भी संसार उनके अंदर घर किए हुए मिलता है, हमने संसार फिर भी घर किए हुए मिलते हैं, वो निरोल आत्मा हमें मिलते नहीं है कि निरोल आत्मा हो गए हैं। हम चाहते हैं कि निरोल आत्मा हो जाओ, सत्संग का लाभ तभी है, उससे पहले कोई लाभ नहीं है। कोई बात नहीं, आपको बहुत लंबी उम्र मिली है या छोटी मिली है, लेकिन एक मौका मिला है, छोटा मिला है या बड़ा मिला है, आपको मौका मिला है, इसमें आपने एक काम तो कर ही लेना चाहिए कि कुछ अतिरिक्त टाइम लगा देना चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम, जैसे तुम संसार में 24 घंटे लगाते हो, इसमें से थोड़ा सा निकाल के घंटा दो घंटा ध्यान में लगा दो, भजन में लगा दो, कि तो सेवा में लगा दो, कि तो परोपकार में लगा दो, थोड़ा सा तो निकाल लो इसके अंदर से, इसी से तुम्हारा दरवाजा खुल जाएगा भीतर का, इसी से संसार सुखी हो जाएगा। लेकिन आप एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकते, सेवा के लिए तुम टाइम नहीं निकाल सकते, प्रेम के लिए तुम टाइम नहीं निकाल सकते, ध्यान के लिए तुम टाइम नहीं निकाल सकते, सत्संग के लिए नहीं निकाल सकते। जो संसार में है वो संसार आपके लिए पहले ही एक मजबूत इकाई है, पहले उसका पालन करते हैं लोग, बाद में अगर टाइम मिल जाता है सत्संग के लिए टाइम तब लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते।
हम चाहते हैं सत्संग पहले हो, काम बाद में हो जाए। पहले सत्संग को मूल काम मान लो, जो तुम्हारा असली काम है, उसको तो तुम मानते नहीं। जो तुम्हारा नकली काम है, जो तुम्हारे सदा काम है, उसको तुम असली मानते हो। तो थोड़ा सा ये जीवन है, ये लुट ना जाए, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कर लो। संसार में ही सारा समय व्यतीत ना करो, इसके लगाव में ही सारा जीवन व्यतीत ना करो। थोड़ा सा हटके भी होके देख लो इससे, ठीक है ना। थोड़ा सा हटके भी देख लिया करो, जानबूझ के हट जाया करो इससे, नहीं तो तुम्हारा जो है टेंशन नहीं जाएगी, तुम्हारा लगाव नहीं जाएगा, तुम्हारा भय नहीं जाएगा, और इस जन्म को तुम व्यर्था खोके फिर चले जाओगे। एक्स्ट्रा टाइम निकाल लिया करो। एक्स्ट्रा टाइम का क्या मतलब, जैसे आप यहाँ आ गए हो, घर का काम काज छोड़ आए हो, किसी तरह से भी अपना काम करके आ गए हो, अगर आप वहीं रहते यहाँ नहीं आते तो समझना आप उसी में गए, उसी में खो गए, आपका जन्म बर्बाद गया। अगर वो काम करते हुए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम तुमने सत्संग के लिए भी निकाल लिया, एक्स्ट्रा टाइम का मेरा मतलब ये है कि संसार से हट के थोड़ा सा सत्संग में भी टाइम निकाल ही लेना चाहिए, इसे कोई नुकसान नहीं है, सदा लाभ ही लाभ है। एक बार की बात है, समझाने के लिए, एक सेठ था बहुत बड़ा, और उसकी अपनी एक नाव थी, नैया नाव थी, और उसमें एक छोटा सा सुराख हो गया था उस नाव में। तो उस सेठ ने पता चल गया कि नाव में सुराख हो गया है, तो उस नाव को उसने किनारे पर निकलवा लिया और एक मिस्त्री को बुलवा लिया, एक पेंटर को बुलवा लिया। सुराख बंद करने वाला मिस्त्री नहीं बुलाया, उसने पहले एक पेंटर को बुला लिया कि इसको लीप पोत के सुंदर बना दे और बाद में इसका सुराख बंद करवा दूंगा। नहीं कराए तो छोटा सा सुराख है, डूबो सकता है ना। यही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि संसार में छोटा छोटा एक भी अवगुण हो ना, आदमी के अंदर एक भी अवगुण हो तो वही डूबा लेता है, पूरे साफ होने की जरूरत है। तो वो पेंटर आ गया, पेंट कर दिया, पेंट करते करते उसने वो सुराख देख लिया कि नाव में तो सुराख है। वो पता नहीं सेठ को पता है कि नहीं पता है, इसमें सुराख है। तो उसने क्या किया, पेंट कर दिया, सारी नाव को पेंट कर दिया, और बाद में जो टाइम बच गया वो सुराख भर दिया उसने, अपनी तरफ से भर दिया, यानी एक्स्ट्रा टाइम दे दिया उस सुराख भरने का। उसका टाइम था तो पेंट करने का, उसकी मजबूरी तो हो गई थी, मजदूरी तो होगी पेंट करने में, उसकी तो आमदनी सारी होगी, सारा टाइम लग गया जितना लगना था, लेकिन थोड़ा सा टाइम और लगा दिया अपनी तरफ से सेवा में, परोपकार में, उसका वो सुराख और भर दिया। उसके पैसे नहीं लिए, उसने बताया भी नहीं। यही कहता हूं मैं, ये एक्स्ट्रा जो जीवन का टाइम है कोई ऐसा भी लगा दिया करो दूसरों को काम आ जाए, ऐसा ना किया करो कि सारा ही तुम्हें काम आ जाए, ऐसा ना करो कि तुम पेंट पेंट करके भाग जाओ और सुराख को देखो और बंद ना करो। थोड़ा सा ऐसा भी कर लिया करो जिसमें परोपकार हो, जिसमें सत्संग हो, जिसमें प्रेम प्यार हो। तो वो तो चला गया काम करके, पीछे से उसका परिवार उस नाव में बैठ के यात्रा के लिए चला गया। सेठ पीछे से आ गया, उसने समझा कि बच्चे तो डूब गए होंगे क्योंकि उसमें तो सुराख था, तो बड़ी चिंता में डूब गया, टेंशन में डूब गया। कुछ देर के बाद देखा कि नाव तो आ रही है, बच्चे तो उसमें ठीक ठाक बैठे हैं, डूबी नहीं है। तो पास आ गई नाव का, नाव के पास जाके देखा कि सुराख तो भरा हुआ है। किसने भरवाया है, मैंने तो नहीं भरवाया, किसने किए सेवा। तो भागा भागा उस पेंटर के पास गया कि भाई
आपने क्या वो सुराख जानबूझ के भरा था? आपने उसका लेबर भी नहीं लिया, मेहनत भी नहीं, मेरे को बताया भी नहीं। कि कहने लगा, जी मेरा एक नियम है, एक कायदा है, मैं जहाँ भी कोई काम करने जाता हूँ उस काम की सवाया एक्स्ट्रा काम भी करता हूँ मैं, थोड़ा चाहे 2 मिनट का हो चाहे 4 मिनट का हो, वो मुफ्त में करता हूँ मैं। तो मैंने सुराख देख लिया था, मैंने अपना काम कर लिया था, वो एक्स्ट्रा टाइम जो मेरा नेम है वो लगा दिया था सेवा में आपका, सुराख बंद करने के लिए। बोला, भाई तेरा तो थोड़ा सा टाइम लगा था और मेरा परिवार बच गया। तो इस प्रकार से तुम अगर एक्स्ट्रा टाइम लगा भी देते हो भजन में, ध्यान में, कैसे भी करके, सत्संग में, सेवा में, प्रेम में, संसार से हट करके थोड़ा सा टाइम और निकाल लो ना अच्छे काम के लिए, यही मेरा मतलब है, ये काम आएगा। जैसे वो सुराख भरना काम आएगा, आ गया ना काम भरना, उसका सारा परिवार बच गया। ये परोपकार की बात है, परोपकार में कोई ऐसी इच्छा नहीं करने की परोपकार किया है हमने बदले में कुछ मिल जाए, केवल सुराख बंद किया वो बच गए तो परमात्मा की मर्जी है, उसने चाहा नहीं कुछ भी के सुराख बंद कर दिया है, इसके बारे में मेरे को इनाम मिले के धन मिले। वो सेठ उसके पास बहुत धन लेकर के गया, कहने लगा ये आपको इनाम है। कहने लगा, जी इनाम क्या है? मैं तो एक्स्ट्रा टाइम करने का एक नियम बना रखा है सेवा का, मैं उसके बदले में कुछ नहीं लेता, बस इसका नाम प्रेम है। अगर समझो तो जब तुम बदले में कुछ भी ना चाहो, किसी की तुम सेवा कर दो, तो वो तुम्हारा जो है प्रेम हो गया, वो व्यापार नहीं हुआ। ले सकता था ना वो इनाम, और भी पैसे ले सकता था, लेकिन नहीं, उसकी आत्मा गवाही नहीं दे रही थी, उसकी आत्मा प्रेम में थी। कि प्रेम में भी कभी हमें टाइम लगा ही देना चाहिए, जगत में कुछ अपने लिए भी कर लेना चाहिए। मेरा मतलब यही है एक्स्ट्रा टाइम निकालने का, कुछ अपने लिए भी कर लिया करो। पूरी तरह से संसार में लिप्त ना रहो, तेरी बुक्कल में है चोर भाई, दिन धोड़े लूट मचाई, ये ऐसी निंद्रा आई तुझको, दिन थोड़ी लूट मचाई, जीवन तेरा लूट लिया हर चोर नजर नहीं आई। कैसी निंद्रा में है हम, जब हमने आपने अच्छे बुरे का नहीं पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, जब हमने नहीं पता है, हम बेहोश हैं, हम सोए हुए हैं। अगर हमें पता हो हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या भला है, क्या नुकसानदायक है, क्या कष्टदायक है और क्या नहीं है, अगर ये हमें पता हो तो समझो हम होश में हैं, अगर ये हमें ना पता हो तो हम बेहोश हैं, हम जो है जागते हुए भी सुते हैं, है ना सुते। तो अपना जो है विचार कर लिया करो बैठ करके, कि ये संसार से हम जो चिपके पड़े हैं, क्या ये अंत तक हमारे काम आएगा? थोड़ा सा विचार करके देख लिया करो। अगर नहीं आता दिखाई देता है, ये थोड़े से दिन का गुजारा है, तो सारा इसमें मत जाओ, तुम कुछ ऐसा भी कर लो जो सदा तुम्हारे साथ भी रह सकता है। ये होश की बातें करता हूँ मैं, तो ये चोर है आपके साथ ये डका डालता चले जाएगा, आपको पता ना लगने देगा, और दिन दौड़ी डालता है ये, अंधेरे में नहीं डालता, तुम सो जाते हो तब नहीं डालता। ये बताओ मेरे को, जब गुस्सा आता है कोई सोता होता है? कोई सोया हुआ नहीं आता है? कोई लालच करते हो सोते हुए नहीं करते हो ना, जागते हुए करते हो तुम। और किसी की निंदा करनी हो, चुगली करनी हो, बुरा सोचना हो तो कब करते हो तुम? सुते सुते करते हो क्या? तुम जागते हुए करते हो, सब लालच, सब अहंकार, सब स्वार्थ तुम जागते हुए करते हो, बिल्कुल जागते हो, तुम सोए नहीं हो। ये तो ऐसा चोर है, जब तुम जागते हो तो डाका डालता है और तुम्हें पता नहीं चलता, गुस्सा आने के बाद पता चलता अरे गुस्सा हो गया, लालच कर बैठते हो बाद में पता चलता है कि बहुत लालच हो गया। अनेकों चीजें ऐसी हैं जो बाद में आपको पता चलती हैं, बाद में पता चलती हैं तो समझो आप सोए पड़े हो।
जब तुम कोई बुरा सोचते हो तुम्हें पता होना चाहिए कि हम बुरा सोच रहे हो। अगर ये पता चल जाए हमारे अंदर बुरा विचार चल रहा है तो बुरा विचार चलेगा नहीं। बुरा विचार चलता ही जब है जब तुम्हें पता ना होता हो कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। जब तुम्हें पता चलना शुरू हो जाएगा कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है तो समझो तुम जागृत हो, फिर ये चोर डाका नहीं डाल सकेगा। जागृत नगरी में चोर डाका नहीं डाल सकता, झक मारेंगे यमदूता। तो जागृत नगरी का मेरा कहने का मतलब है ये जागृत नहीं जिसमें तुमको पता ही नहीं चलता है लोभ का, लालच का, क्रोध का, स्वार्थ का पता ही नहीं चलता है, ये जागृत नगरी नहीं है। वो जागृत नगरी तुम्हारा जो आत्म स्वरूप है वो जागृत हो, होश हो, वो होश में हो। जबकि बात है जब अगर तुम होश में है तो कोई झक मारेंगे यमदूता, मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस जागृति के लिए आपकी बात हो रही है, ठीक है ना? तो थोड़ा सा इस जाग के लिए, इस मन के लिए थोड़ा सावधान हो जाएं। मनवा मेरा मानता ना है, कैसे इसे समझाऊं? अब तासीर बताता हूँ मन की, जो तुम्हारा चोर है, जो तुम्हारे बुक्कल में छुपा बैठा है। मनवा मेरा मानता नहीं, कैसे इसे समझाऊं? मानता ही नहीं है, समझा समझा के हार गए, मानता नहीं है। जैसे पानी बहे झील को तोड़ बांध बह जाए, जैसे पानी बहे झील को, सुनो ना ध्यान से, इधर ना देखो मेरी तरफ देखो, जैसे पानी बहे झील को और सब बांध तोड़ बह जाए, ऐसे मेरा मनवा बहता कितने बांध बनाए। जैसे पानी बहे झील को सब बांध तोड़ बह जाए, ऐसे मेरा मनवा बहता कितने बांध बनाऊं। अब ये नदी इधर बहती है झील की ओर, इसके अंदर तुम कितनी आड़ लगाओ, कितने बांध बनाओ, ये रुक नहीं सकती है, तोड़ जाएगी, ऊपर से बह जाएगी, किनारे तोड़ देगी, जाना झील में है। तो ये मन की हालत है, ये बहता नीच की ओर है, झील की ओर है, नीचे कामों की ओर बहता है, नीचे कर्मों की ओर बहता है, नीचे जो भोगों की ओर बहता है, नीचाई की ओर बहता है, ये हमेशा नीचे को बहता है, ये पानी की तरह से है। तुम कितने बांध बनाओ ये तोड़ जाता है, ऐसे बांध कितने बनाओ ये तोड़ तोड़ बह जाए। होता है ना आपके जीवन में ऐसा ही, बड़े संकल्प करते हुए कि ये काम अच्छा नहीं, ये दोबारा नहीं करूंगा, लेकिन फिर कर जाते हैं, फिर संकल्प करते हैं कि ये अच्छा काम नहीं था, फिर मैं नहीं करूंगा। ऐसा जीवन में बार बार करते हो और आपका मन जो है सारे बांध तोड़ देता है, तुम्हारे सारे संकल्प तोड़ देता है, फिर तोड़ के आगे बह जाता है। इसका स्वभाव ही नीचे की ओर बहना है। अब कितने बांध बनाऊं, बोलो भाई कितने बांध बनाओ, बनाते रहो ये तोड़ता रहेगा। कोई और जरिया होना चाहिए कि ये ऊपर को बहने लगे, बांध बनाने की जरूरत ना पड़े, मनो ऊर्जा ऊपर को बहने लगे, नीचे का इसका स्वभाव ही खत्म हो जाए। वो सिर्फ ध्यान का जरिया है, वो सिर्फ परोपकार का जरिया है, वो सिर्फ प्रेम का जरिया है, उसको अपन मन नहीं बहेगा, बांध बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो खुद ही ऊपर को बहेगा। तो ऐसी तरकीबें आप निकाल लो के ऊपर के बह, जैसे अनंत सागर लहर पर लहर उठे गिनत कभी न जाए, ऐसे मेरा मनवा बहता कैसे शांत बैठाई। जैसे सागर होता है ना, समुन्द्र होता है, कभी समुन्द्र के किनारे पर जा करके देखा हो या छोटे मोटे तालाब पर जा करके भी देख लो,
एक लहर उठती है वो बैठ जाती है, वो बैठ जाती है तो एक और उठ जाती है, वो भी बैठ जाती है तो एक और उठ जाती है। इतनी लहर उठती जाते हैं गिनन में नहीं आ सकती। ऐसे ही मेरे मन की लहरें हैं, कैसे शांत बैठाऊं? शांत बैठ सकती हैं अगर बाहर का असर, बाहर का प्रभाव, बाहर का लोभ, बाहर का लालच, बाहर का कहना सुनना आपके ऊपर असर ना डाले। आप बाहर की तड़क भड़क, बाहर का ये संसार, बाहर की सुविधाएं, बाहर की चमक दमक अगर आपके ऊपर असर ना डालें तो ये लहर नहीं आएंगी। लहर आती ही सब है। तुम बाहर की चीजों को देखना चाहते हो, बाहर की चीजों से जुड़ जाते हो, बाहर की चीजों से प्रभावित हो जाते हो। माना कि आपके पास साइकिल है और आपके दरवाजे से एक कार निकल जाती है 30-35 लाख की। आप तो शांत थे कार निकलने से पहले, लेकिन कार क्या निकली कि आपके जो तालाब में तो कंकर फेंक दी गई। लहर उठ खड़ी हुई कि ये कार तो मेरे पास भी होनी चाहिए थी, साइकिल को तो भूल गया, अब कार होनी चाहिए थी। मेरा मतलब ये है कार निकल गई है और आप पर असर नहीं पड़ा है तो लहर नहीं उठेंगी, अगर असर पड़ गया तो लहर उठेगी। तो बाहर के असरों को आप स्वीकार ना किया करो, बाहर के असरों को, बाहर के प्रभावों को स्वीकार करना ही मन है। अगर बाहर के प्रभावों को स्वीकार नहीं करोगे तो मन नहीं है, फिर लहर नहीं है, फिर शांत हो तुम। तो ये मन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। जैसे निंद्रा आलस की और सुपने पर सुपना आवे, जैसे निंद्रा आलस की सुपने पर सुपना आवे, ऐसा मेरा मनवा सोया कैसे इसे जगाऊं। सो जाते हैं ना, सोने के बाद एक आलस की निंद्रा होती है, जब उठना नहीं चाहते, आलस पकड़ लेता है, उसमें सपने पर सपने आने लग जाते हैं, वो सपने उठने नहीं देते हैं, आलस बढ़ता जाता है, सपने आते जाते हैं। इस तरह से ये मेरा मनवा है, ये सो गया कैसे जगाऊं, इसने तो आलस से भर गया, कैसे इसे आगे बढ़ाऊं। ऐसे मेरा मनवा सोया कैसे इसे जगाऊं। मुश्किल हो जाती है ना, सुबह ध्यान का मन करता है करने को और आलस आ जाता है, आलस आपको दबा लेता है, ध्यान करने नहीं देता है, फिर सो जाते हैं, फिर कोई सपना आ जाता है, भयानक आ जाए या अच्छा आ जाए, सपना सपना ही होता है। तुम्हें आलस जो है वो चुका देता है, ध्यान नहीं करने देता है, देर से उठाता है। ये आलस बहुत बुरी बीमारी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों को बुरे बताते हैं ना, बहुत बुरे, कि जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो अंत भी शांत नहीं रह सकता, वो भड़का रहेगा, वो गुस्से में रहेगा, वो चंचल रहेगा, वो इंसान नहीं है, वो एक शैतान है, जिसके अंदर ये पांचों इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन इनसे भी एक बुरी चीज है आलस। अगर वो आलस नहीं होता आप भजन कर लोगे, वचन कर लोगे तो आत्मा प्रकट होगी, आत्मा का ज्ञान प्रकट होगा, आत्मा का सुख प्रकट होगा। ये पांच क्या करेंगे वहां पर? पांच कुछ नहीं कर सकते अगर आलस ना हो तो, क्योंकि तो आलस ना होगा तुम भजन करोगे, भजन करोगे तो अंदर की चीजें आएंगी, अंदर की चीजें आएंगी तो ये काम, क्रोध, लोभ, मंकार काम नहीं कर सकेंगे। ये दुश्मन तभी है जब तुम्हारे साथ आलस है, और आलस ना होती ये दुश्मन है ही नहीं। आलस को छोड़ दिया करो, जिसको भजन मिला, ध्यान मिला, आलस आए सुबह तो उसको एक तरफ हटा दिया करो, झटके के साथ उठ करके थोड़ा सा घूम लो, चाय पानी पी लो, स्नान कर सको तो स्नान कर लो, तो ध्यान में बैठ जाओ, फिर ये काम, क्रोध, लो मंकार तुम्हारे आप हल्के हो जाएंगे, ये काम ना कर सकेंगे, ठीक है ना। तो विषयों का विष पिलाया, ये मन ऐसा है, विषयों का विष पिलाया, कर लिया है मूर्छित तुझको, अपने बल ढाल लिया है, राही बचन की नाही। विषयों को समझते हो आप? विषय स्वाद, संसार के स्वाद, शरीर के स्वाद, इंद्रियों के स्वाद, जो भी स्वाद है बाहर का सब स्वाद है, वो विषय है सब। तो ये पांच गिनाए हैं खासकर। सबसे पहले विषय तो देखने का बताया है,
देखने का स्वाद, दूसरा कान का देखने का स्वाद, तीसरा सूंघने का, चौथा जीभ का, जीभ का स्वाद, पांचवा स्पर्श का, छूने का स्वाद, सुनने का स्वाद, आँख का स्वाद, आँख के देखने का स्वाद, कान का स्वाद, कान के देखने का स्वाद, नाक का विषय, नाक के सूंघने का स्वाद, जीभ का स्वाद, जीभ के चखने का स्वाद, स्पर्श का स्वाद। आजो आजो। तो ये पांच विषय हैं, ये विषय जिसमें चढ़ जाते हैं वो परोपकार नहीं कर सकता, वो अच्छा नहीं सोच सकता, वो इस संसार से ऊपर नहीं उठ सकता, उसी के संग होके संसार में ही डूब जाएगा। लेकिन एक और निराला स्वाद है, कि निराला विषय है, वो किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है। एक और भी निराला विषय है, वो किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है, वो है शराब का नशा या कोई भी नशा। शराब का नशा न तो नाक का विषय है, शराब का नशा न कान का विषय है, शराब का नशा न जीभ का है, न नाक का है, न आंख का है। इन इंद्रियों में से शराब का नशा है ये विषय है ही नहीं। पीते हैं तो क्या अच्छा लगता है, सूंघते हैं तो क्या सड़ांध आती है। कोई सी भी इंद्री का ये विषय नहीं है शराब, ये सिर्फ मन का विषय है। जो मन कहा ना, मन का चोर तेरी बुकल में ही है, बाहर नहीं है। अपनी बुकल को थोड़ा सा झड़का के देख ले के बाहर ही पड़ जाए किसी तरह से। तो सारा नशा, शराब का नशा, ये इंद्रियों का नशा नहीं है, ये डायरेक्ट मन का नशा है। और जिसको ये मन के नशे की लत पड़ जाती है, उसको तो भगवान ही कैसे छुटावे। उसकी समझ में नहीं आता है, कोई समझाए तो उसको समझ में नहीं आता है। जैसे कहा था ना, अज्ञान जो है ये बहुत भारी पर्वत है, इसको हिला तो कौन दे, ये वापस फिर आ जाता है। थोड़ा सा हिलाओ वही जमा हुआ मिलेगा। इस अज्ञान को, इस ना समझी को कोई हटाकत दिखा दो। एक बहन थी, उसके घर वाला बहुत शराब पीता था, और वो बहन जाती थी सत्संग में, चोरी चपटे से जाती थी, वो दुश्मन जाने भी तो नहीं देता। उसके भी समझ को जो है मलिया मेट करना चाहता है, अपनी तो कर बैठा है, उसको भी चाहता है कि ये न जाए, ये मेरी सेवा में ही रहे, कि बाहर ना जाए, ये बिगड़ ना जाए, मेरी भगतनी बनी रहे। वो तो फोटो लगाते उसको भी तोड़ देता है। तो एक दिन वो कहने लगा कि तू अपने गुरु के पास जाती है, देखता हूं कि तेरा गुरु कहाँ पहुंचा है और तू कहाँ पहुंची है। अब बताओ, शराबी आदमी है और वो ज्ञान की बात करता है। ये इसीलिए तो कहता हूं कि ये ना समझी तोड़ने में नहीं आ सकती, क्योंकि वो ना समझ समझदार जैसा बन बैठता है। बस ना समझ समझदार जैसा बना तो खतरा पैदा हो गया, उसको हिला कौन देगा। तो बैठ गया, एक बोतल पी के बैठ गया कि आज देखता हूं तुम्हारा गुरु कहां पहुंचा और तुम कहां पहुंची हो। देखना क्या था, वो तो बस वैसे ही समझदार बना हुआ था नशे में। बैठ गया शाम को वहीं ऐसे गर्दन मुड़ा, शाम को बैठ गया, सुबह ऐसे गर्दन जो लुटती हुई मिली उसकी, सो गया बैठ के। अब क्या करे बताओ, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों को कौन समझाएगा। जो खुद ही समझदार बन बैठते हैं, जो ये सोचने लग जाते हैं फलाना भगत कहाँ गया है, फलाना गुरु कहाँ गया है, शराब पी करके पता लगाना चाहते हैं, इनको कौन सुधार देगा। नहीं सुधार सकते। अगर ऐसा आदमी इनके संपर्क में आ जाता है, बीच में आ जाता है, किसी तरह से खुद को सुधार लेना चाहिए। उसकी चिंता में ऐसी बात ना हो कि खुद कोई खो बैठे, खुद का जीवन बर्बाद करते, खुद ही टेंशन से भर जाए। उसने तो सुधारना नहीं है, लेकिन खुद अपने आप में जो बिगड़ के बैठ जाएगा कि दिल खराब हो जाएगा, मन खराब हो जाएगा, लकवा मर जाएगा, टेंशन इतनी भारी हो जाए कि शराबी का क्या करूं। शराब भी तो वही रहेगा, अपने आप को खराब कर बैठता है। तो ठीक नहीं होता है करने से, समझाने से। तो अगला नंबर है खुद को ठीक करने का।
अगला नंबर है खुद को ठीक करने का, एकदम से लापरवाह हो जाने का। अपनी ड्यूटी करो, ज्यादा परवाह ना करो, उसने जो करना सो करना, अपने बिगाड़ ना होने दो, ठीक है ना। अपना सुधार कर लो, अपना बदलाव कर ले, और क्या करोगे तुम। पीहर जाओगे तो पीहर ठिकाना नहीं है, सांसरा तो पहले ही बंद है, वहां शराबी राक्षस बैठा है, पीहर वाले वापिस भेज देंगे, तेरा तो घर वो है, समझे ना, तेरा तो घर वो है। एक बार एक पुलिस से मैं कहने लगा कि भाई औरत के तो घर दो ही होते हैं, सांसरा या पीहर, वो भी ना रहे तो क्या करे। बोले ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, गोली खा जाओ, जल जाओ, फांसी ले लो, ऊपर जाओ। अब तीसरा रास्ता बहनों का ये है, ये मत अपनाना, अपना बदलाव कर लेना, खुद का बदलाव कर लेना, उसकी गौर ना करना बिल्कुल भी। जैसे भी समाधान लेकर अपना रास्ता निकालो, न तो पीर में जगह है, न सासरे में जगह है, न ऊपर जाना है, कहीं नहीं जाना, अपना बदलाव कर लेना है। थोड़ा बहुत ध्यान भजन का तरीका अपना लेना है ताकि शांति बनी रहे, और कोई तरीका हो तो मेरे को बताओ। नहीं देखता है ना, और तो थोड़ा सा बदल लो, अपने हालात बदल लो, थोड़ा सुख रह जाए। तो संसार में जो विषय है, मैंने बात इसकी सुख की, सुविधा की, विषयों की चलाई के, इसके स्वाद में इतने लिप्त हो जाते हैं, एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे पाते। जैसे सुराख करने की बात बताई थी, एक सुराख बंद करने जितना भी टाइम हमने निकाल सकते हैं विषयों में, इस संसार में इसके इतने लिप्त होकर बैठ जाते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम सेवा के लिए, प्रेम के लिए, ध्यान के लिए, सत्संग के लिए हम नहीं निकाल सकते। निकाल लें तो अच्छा है, दूसरे का भला, तुम्हारा भला। और अंत में एक बात सुनाऊं आपको, एक बाबा जी की। बाबा जी मस्त बाबा जी था, गांव के गोरे झोंपड़ी थी, चटाई थी, ऊपर पेड़ था, पीपल का, बड़का, नीम का कोई पेड़ था, उसके नीचे ठंडी छाया में झोंपड़ी थी। बाबा चटाई पर बैठता था और बड़ा भजन में मस्त रहता था। एक दिन एक सेवादार आ गया, अमीर सेवादार, धनवान सेवादार। वो यही पूछते हैं, बोलो क्या सेवा करें आपकी। तो वो सेवा तो करवा लेता है तो समझो आगे काम चालू हो गया, या तो अमीर आदमी के काबू में आओगे या वो विषयों में जाएगा। अगर आप में से कोई अमीर आदमी मेरे को सुविधा देनी चाहे, कुछ एसी लगाना चाहिए, 2-4 लाख रुपए देना चाहे, या तो मैं उसके काबू में आ जाऊंगा उस धनी आदमी के, या मैं विषयों में चला जाऊंगा, सुख में चला जाऊंगा। वो देता जाएगा, मैं सुख में चला जाऊंगा, मेरा जो अंदर का रास्ता बंद हो जाएगा, विषय पकड़ जाएगा। तो उसके पास एक अमीर आदमी आ गया, कह लगा महाराज ये झोंपड़ी है, चटाई है, कीड़े मकोड़े चढ़ते हैं, ध्यान ठीक से नहीं बनता होगा, कि एक दीवान बनवा देता हूँ आपका, बड़ा सुंदर दीवान बना करके और उसकी झोंपड़ी में डाल दिया और उसके ऊपर एक गद्दा डाल दिया, बैठे तो गर्क दे जाए उसके अंदर, समझे ना। ऐसा सुख कहाँ, चटाई कहाँ, गद्दे का सुख, बिल्कुल एकदम से नरम बैठ जाए पूरा का पूरा गद्दे में। तो बाबा ने समझाई तो बहुत बढ़िया चीज लाया सेवादार, उसको वो सुख पकड़ गया। ये सुख का पकड़ना है, ये संसार पकड़ गया अब उसको। कहने लगा भाई ये तो बहुत बढ़िया बात होगी, तुम तो दीवान ला दिया और बड़ा इसके ऊपर गद्दा डाल दिया, कहाँ चटाई पर पड़ा था, मकोड़े काटते थे जैसे शांति, बहुत डर रहे मकोड़े थे तो वो भी डरता होगा, तो बड़ा उसने आभार जताया। कहने लगा भाई सेवक एक काम और कर दे, फिर वो लगाव पकड़ गया ना सुख का, ऐसा ही लगाव पकड़ता है गृहस्थियों को भी, साधुओं को भी। ये ना सोचो कि साधुओं का नहीं पकड़ता, ये साधुओं की तो बात बता रहा हूं मैं। यार कहने लगा भाई ठीक हो गया, वैसे तो सब कुछ ये पानी जब राम बरसा है, ये टपक टपक हो, ये छान और नीचे दीवान और गद्दा, ये तो भीगने लग गए, ये तो काम की बात नहीं हुई, कुछ थोड़ा सा पक्का बना दो। वो तो चाहता ही ऐसा था अमीर आदमी, तो उसने आलीशान कोठी बनवा दी, एक कमरे की बजाय कोठी बनवा दी बड़ी शानदार,
उस बाबा का तो और भी सुख पकड़ गया, अब तो आंधी है न तूफान है न टपका है न कुछ है, बड़ा सफेद संगमरमर का मामला है, टूटियां काम करती हैं, ठंडा पानी है गर्म पानी है, कुछ भी लो सब ठाट हो गई बाबा की तो, कहां चटाई पर कहां गद्दर कोठी में। तो सेवादार फिर आ गया, एक बार उसकी बारी एक बार उसकी बारी, कह लगा महाराज ये कोठी तो बनवाए ली बनेंगे, ये काम और कर लो फिर। कि वो क्या कि कोठी बगैर कार के अच्छी नहीं लगती, एक कार होनी चाहिए बड़ी अच्छी सुंदर कार होनी चाहिए, कि आस पास में किसी के पास ना हो, जाए तो पता लगे कि भाई फलाना बाबा जा रहा है, अहंकार भी घुस गया स्वाद भी घुस गया। तो कहने लगा भाई कार और ला दे फिर। वो कार ले आया और भी ठाठ हो गए, और भी सुख पकड़ गया और भी संसार पकड़ गया, वो ध्यान वाला सुराख भूल गया, अब समझे ना, वो सुराख भूल गया जिसके अंदर से न प्रेम जाना था, वो द्वार भूल गया। तो कार भी आ गई, जब कार आ गई तो वो अमीर जो था और कहने लगा महाराज अब भी जो है सेटिंग ठीक नहीं हुई, मैच नहीं बैठ रहा, कार है कोठी है सब कुछ है सब ठाट है, मैच बैठ नहीं रहा है, यहाँ गांव में एक लड़की है अनाथ, उसको ले आऊं शादी करना की बुरी बात है, कबीर भी शादीशुदा थे, नानक भी शादीशुदा थे, गरीबदास भी शादीशुदा थे, बहुत सारे शादी शादीशुदा हुए हैं, उनने क्या भजन नहीं किया, तो आप शादी क्यों नहीं करवा लेते, जो लड़कियां नाथ उसके पास ले आते हैं तेरे साथ, सब बिल्कुल मैच फिट बैठ जाएगा। कहले अरे बच्चे ये तो मेरे ध्यान में ही नहीं था, ये तो बड़ा ठीक है, ये हो जाए तो अच्छा है। कहने का मतलब क्या है, उस लड़की से इस बाबा की शादी करवा दी, लड़की वहां रहने लग गई। अब शादी का रिजल्ट तुम जानते हो कि शादी मुफ्त में और फ्री नहीं होती है, शादी के बाद जो पंगा खड़ा होता है वो गृहस्थी लोगों ने पता है, बच्चे बनने शुरू हो जाते हैं और व्यवस्थाएं शुरू हो जाती हैं, कोई बच्चा बीमार हो गया, कोई पढ़ाना है, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, पता नहीं कोई बिगड़ गया है कोई सुधर गया है, जाल में उलझ गए, शादी क्या कराई बेचारे ने, ये तो तुमने ज्यादा पता, मेरे को नहीं पता, मैं तो तुम्हें देख कर मैं सावधान हो जाता हूं, समझे ना। तो ये पहले हुआ भी मैं इसी तरह से सावधान था, वहां पड़ोस में शादी हुई थी, तो लड़का जो है बड़ा राजा महाराजा बना रखा, बड़े गीत संगीत ढोल बाजे खाने पाने रिश्तेदार पता नहीं क्या क्या, इंदिरा सुंदर खड़ा कर दिया बिल्कुल दूल्हे की तरह से, राजा की तरह से घोड़ी पे चढ़ा के चौल चाल मार के हार उर डाल के फोटो के चमके मार के, मैंने समझाई तो बहुत अच्छी चीज है, तो तूने भी करानी चाहिए, मेरे मन में आ गई ये बात देख के। तो पास में ही था वो, पास में था तो तीन चार दिन के बाद वो दोनों लड़ रहे हैं, आपस में दोनों लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा ये कोई धोखा है, ये कोई मजे की चीज नहीं है, मैं इसको कतई नहीं कराऊं। ये देखने से मेरे को इतना बोध हो गया कि कल इतने नजारे थे आज इतना दुख खड़ा हो गया, और ये तो एक दिन का दुख नहीं तो सारी उम्र का दुख, ऐसी चीज तो नहीं बाजार में बदलवा लेंगे शादी करने से के दूल्हे को बदलवा लेके दूल्ही को बदलवा लो, तो बन गई गलमैया मुकदमे लड़ने पड़ेंगे, ये तो सारी उम्र का कलेश हो जाएगा, इसे तो ऐसे ही रहना ठीक है। तो जो बाबा था, बाबा की बात तो अभी अधूरी है ना, वो जो बाबा था उसको दो चार बच्चे हो गए, और हुआ क्या वो मर गए, फिर एक बीमार हो दूसरा बीमार हो तीसरा बीमार हो सारे मर गए धीरे धीरे, बाबा बैठा बैठा रो रहे हैं फिर, और वो सेवादार फिर आ जाता है, कहने लगे महाराज क्यों रो रहे हो, अरे तुम ऐसे कर रहा है क्यों रो रहे हो, तुम क्यों नहीं रो रहा, मेरे को दर्द हो रहा है, तेरे को नहीं लगी थोड़ी सी भी, महाराज जी लगेगी आपको रोना पड़ेगा, आपने मैं केवल समझा सकूं कि मैं क्यों, कि स्वाद तो आपने लिया था, संसार का भोग तो तूने किया था, कोठी तो तूने खड़ी करवाई थी, सारा काम तो तूने खड़ा करा था, सब बच्चे तूने पैदा किए थे, मैं क्यों रोऊं,
तुम रो, वही रोएंगे जो इस संसार में जाएंगे, इसके अंदर लिप्त हो जाएंगे आत्मा को भूलकर। जो आत्मा को भूलकर इसमें लिप्त हो जाएंगे वो रोएंगे, उनको नहीं कह रहा मैं जो आत्मा में लिप्त ना, जो आत्मा में भी चले जाए संसार में, जो उनको नहीं कह रहा मैं, संसार में रहते हुए आत्मा में भी जाओ, अंदर का दरवाजा भी खोल लो, उनको सुख रह सकता है। अगर संसार में रहते हुए भीतर का दरवाजा नहीं खोला तो बाबा वाली बात है ना। और हमारी सबकी ज्यादा यही अवस्था है। तो सच्चैतन्य से जो प्रीत लगाव है, चोर मना का पकड़ा जाए। चोर मन का अगर पकड़ना है तो परमात्मा के नाम से प्रीत करो, सर्वव्यापक परमात्मा से प्रीत करो। सर्वव्यापक परमात्मा से बड़ा कुछ नहीं है, परमात्मा के नाम से बड़ा कुछ नहीं है, केवल एक सबसे ऊंची जो सत्ता है वो परमात्मा है। जिसने परमात्मा को पकड़ लिया समझो उसको कोई खतरा नहीं है, लेकिन सच्चे रूप से पकड़ा हुआ होना चाहिए, दिखावटी रूप से नहीं, सच्चे रूप से पकड़ा हुआ होना चाहिए परमात्मा, दिखावटी रूप से नहीं है। ऐसा नहीं है कि नाम भी ले लिया, इधर से धोखा पूजी भी करते रहे, जो तो आ रहा है वो मनाते रहे, उसमें और उसमें क्या फर्क है, वो सत्ता मान नहीं रहे, तुम छोटी छोटी चीजों के पीछे पड़े हो। जिसने राजा से हाथ मिला लिया है, चौकीदार से मिलाने की जरूरत क्या है लोगों को, पर विश्वास नहीं होता, कर्म पर विश्वास नहीं करते, परमात्मा पर विश्वास नहीं करते, ये धोखा पूजी में विश्वास करते हैं। कल ही एक बात मैं देख रहा था, क्या बात थी वो इसी बात से संबंधित है कि एक लड़की की शादी होकर के आई और उसकी सास कहने लगी कि बेटी चल मंदिर में धोख मरवा लाऊं। करते ना ऐसे ही, यहां भी चाहे तुमने खेड़े की धोख मरवानी पड़ो, ये पर इसके पास बनवाया ना खेड़ा, ये देखते देखते ही बनवाया है, ये पहले नहीं था, अब शादी होते ही चल बेटी खेड़े की धोख मारा। ये खेड़ा कुछ नहीं है, खेड़ा तो ये सारा गांव है, वो दो ईंट जाए वो खेड़ा नहीं है, लेकिन ले जाएंगे वहां माथा मरवाने के लिए, जोत लगवाने के लिए, वहां क्या है, वो तो किसी ने चार ईंट रखवा दी, किसी ढावा आएगा मैं खा लूंगा। ये तो बेरोजगारी मिटाना है बाबा लोगों की, या साधु लोगों की, या पंडित लोगों की, ये बेरोजगारी मिटाना है और कुछ नहीं है, ये पाखंड खड़ा करना। तो कहने लगी चल बेटी धोख मरवा लाऊं, मंदिर में ले गई। अब मंदिर में खड़ा है शेर सामने, मंदिर में शेर खड़ा है, तो वो बहन थी वो डर गई, वापस जाने लगी, माताजी इसमें तो शेर खड़ा, मैं तो वापस जा रही हूं, खा लेगा। कहेंगे बेटी डरा मत, ये पत्थर का है, ये खागा नहीं, ये तो वैसे मुंह फाड़ रहा है दिखावटी, ये खाता नहीं, चल आ जा अंदर, चलो नहीं खाता तो ठीक है पत्थर का है तो, पत्थर का खाता भी क्या होगा, उसकी समझ में आ गई। फिर तो आगे चला गया, आगे मंदिरों में देखते हो ये कई गाय गोई भी खड़ी कर देते हैं कृष्ण भगत और के, वहां एक गाय खड़ी है, गाय को बछड़ा चूंग रहा है। कहेंगे माता जी बाल्टी ले आऊं दूध निकाल लेंगे। बेटी पत्थर की गाय दूध नहीं देती है, ये तो वैसे ही बना रखी है देखने के लिए, चल आगे चल। अच्छा ठीक है, पत्थर की जो है ये कुछ नहीं दे सकती, दूध नहीं दे सकती, तो ठीक आगे चल। आगे वो माता की मूर्ति धरी है। कहने की बेटी मांग ले जो कुछ मांगना हो, आशीर्वाद मांग ले, धन मांग ले, दौलत मांग ले, जो मांगना हो सो मांग ले, ये सब दे देगी माता जी। ये भी पत्थर की कैसे दे देगी, वो शेर था पत्थर का था वो नहीं खा सकता था, गाय थी पत्थर की वो दूध नहीं दे सकती थी, ये माता भी पत्थर की है, या क्या आशीर्वाद देगी, क्या बेटा पोता देगी, मैं नहीं मांगती, मैं तो तू है, तू है मेरी माता, तू जिंदी माता है, मैं तो तेरी सेवा कर सकूं। ये बात उसको जब समझ में आई कि बहुत तो ठीक है, तो मरवाते रहो धोखे, उनको दूर लगाते रहो अपने आप से, पत्थर से जोड़ दो अपने आप से, उसको दूर हटा दो, नो मत कहो कि तुम्हारी मैं तुम्हारी माता हूं, उस माता के पास ले जाओ जो पत्थर की बनाई है, जो कुछ ना दे सकती हो। कर्म में विश्वास करो, पत्थर की चीजों में कुछ नहीं रखा है, कर्म में विश्वास जब तक ना करोगे तुमको नहीं मिलेगा, कर्म में विश्वास करो। कितनी भक्ति करते रहो किसी की, क्या तुम्हारे खेत में गेहूं खड़े हो जाएंगे किसी खेत में गेहूं खड़े, क्या धान की उपज हो जाएगी, बजाते रहो लोटो मंदिर में, कहते रहो कि मेरे खेत में धान खड़े हो जाएंगे किसी के में। अरे तुम पत्थर जो लोटा मत बजाओ, तुम जाकर के हल बालो और अपने धान की पनीरी लगा दो, धान हो जाएंगे,
कर्म में विश्वास किया करो, आत्मा विश्वास किया करो, एक परमात्मा विश्वास किया करो, तब तो सत्संग की बात है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से होश में रहा करो, सत्संग सुनने का फायदा तभी है सच्चे तन में।